मयूरी का किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। काजू मसाला करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैं यहाँ पर एक बड़ा चम्मच ये देसी घी डाल रही हूँ। आप देसी घी की जगह यहाँ पर ऑयल भी ले सकते हो। हमने यहाँ पर गैस ऑलरेडी ऑन कर लिया है। अब हम यहाँ पर घी को गर्म होने देंगे। हमारा घी यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और मैं यहाँ पर 1/4 कप ये काजू ले रही हूँ। अब इन काजुओं को हम अच्छे से भून लेंगे। जब तक इन काजुओं में अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तब तक हम इन काजुओं को भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इन काजुओं को अच्छे से गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको इस तरह से लंबा कट कर लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च और 7-8 लहसुन की कलियाँ, सारे इंग्रेडिएंट हम इसमें डाल देंगे और साथ में ही 2 साबुत ये लाल मिर्च, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। हमको प्याज के ट्रांसपेरेंट होने तक इनको भूनना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे प्याज यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 2 छोटे साइज के टमाटर लूँगी जिसको मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। अब टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक मिलाने से हमारी सब्जियाँ जल्दी से अच्छे से गल जाएंगी। हमको टमाटर को यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गलाना है और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और कवर करके इसको पकने देंगे। हमको टमाटर जब तक अच्छे से पूरी तरह से गल नहीं जाते तब तक इसको पकाना है और ध्यान रहे बीच बीच में आप हिलाते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारे टमाटर यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं, पूरी तरह से अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो इस तरह से ही आपको टमाटर को गलाना है। अब हम यहाँ पर गैस बंद कर लेंगे और इस मसाले को अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ये मसाला बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मसाले को, किसी भी मसाले को आप पीसो तो हमेशा ठंडा करके ही पीसो। मसाले को ठंडा करने से, पीसने से हमारा मिक्सी जार भी ख़राब नहीं होगा और हम जब गरम गरम मसाले को पीसते हैं तो वो स्टीम बन के ढक्कन भी खुलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मसाले को अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा। अब हम इस मसाले का अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे। ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी मिला के पूरा अच्छे से फाइन पीस लेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने इसका बिल्कुल अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे। पैन में मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी ले रही हूँ। आप घी की जगह यहाँ पर बटर या ऑयल भी ले सकते हो। हमने यहाँ पर गैस ऑलरेडी ऑन कर दिया है। अब हम यहाँ पर घी को गर्म होने देंगे। तो हमारा यहाँ पर घी गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये 2 हरी इलायची डाल रही हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 लौंग, 1 छोटा चम्मच सौंफ। गैस की फ्लेम को हमको यहाँ पर लो ही रखना है और अब हम इन सब मसालों को थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारे जीरा और वो स्पार्कल नहीं होने लगते। तो हमारे यहाँ पर ये सूखे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम उसमें ये 1/4 कप काजू ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये होल काजू लिए हैं जिसको मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इन काजुओं को अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो मीडियम रखेंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन काजुओं को अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे काजू का कलर चेंज हो चुका है, हल्का सुनहरा कलर आ चुका है। तो हमारे काजू यहाँ पर अच्छे से भून चुके हैं। अब हमने जो ग्रेवी बनाकर रखी थी वो ग्रेवी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम कर लेंगे और यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक हमने फ्रेंड्स पहले भी मिलाया था तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप नमक ऐड कीजिएगा। नमक आप आपके टेस्ट अकॉर्डिंग रख सकते हो। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 1/2 कप के आसपास ये गर्म पानी ऐड कर रहे हैं। ये गर्म पानी हमने मिक्सी जार में डाल दिया था ताकि हमारा मिक्सी जार भी अच्छे से साफ़ हो जाए।
सूत्र अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए, हमने इस ग्रेवी और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो कितना एक स्मूथ टेक्सचर आ गया है। अभी हमारी सब्जी बनकर रेडी नहीं हुई है, अभी हमारे कुछ मसाले ऐड करने यहाँ पर बाकी हैं। सब्जी हमारी कितनी डिलीशियस लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये आपसे सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम सब्जी को थोड़ी देर के लिए बॉयल होने देंगे। हमको कुछ एक मिनट के आसपास इस सब्जी को बॉयल होने देना है, फिर हम थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे। मैंने आपसे ऑलरेडी बहुत सारी सब्जियों की रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हो। लहसुन प्याज वाली और बिना लहसुन प्याज वाली दोनों सब्जियों की रेसिपी शेयर की हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। प्लीज़ फ्रेंड्स आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो हमारे यहाँ पर एक मिनट के आसपास हो चुके हैं, हमारी सब्जी यहाँ पर अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब हम उसमें एक छोटा चम्मच ये कसूरी मेथी ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक बड़ा चम्मच हम यहाँ पर फ्रेश क्रीम लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं हो तो आप घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हो। घर की फ्रेश मलाई को आप छलनी में से छान दीजिएगा और इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैं भी यहाँ पर घर की फ्रेश मलाई ही यूज़ कर रही हूँ। और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चम्मच शक्कर, आप यहाँ पर शक्कर को अवॉइड भी कर सकते हो, बट फ्रेंड्स मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप यहाँ पर एक चम्मच शक्कर डालिएगा। ये सारे मसालों को बैलेंस करेगी और हमारी सब्जी में हल्की सी मिठास देगी। हमने यहाँ पर सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर और बॉयल होने देंगे। तो हमारे यहाँ पर सब्जी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, अब हम यहाँ पर ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और गैस यहाँ पर बंद कर देंगे और धनिया को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते, हमारी ये सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है और हमारी ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और अच्छे से गार्निशिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है, अब हम यहाँ पर ऊपर से काजू से गार्निशिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ काजू को गोल्डन ब्राउन कलर में भून लिया था, उससे हम इस पर गार्निशिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पर काजू से गार्निशिंग कर ली है और ऊपर से हम थोड़ी सी फ्रेश मलाई डाल देंगे, इससे इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook और Insta पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।